हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल जीके क्लासेस ऑफ आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 18 to 21। सो वॉच वीडियो केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट दीज चैप्टर्स। सो द चैप्टर नंबर 18, राइटर languages. So here is some writers with names, and Indian writers write in different languages. ये Indian writers हैं जिन्होंने कुछ different languages लिखी हैं। Some of great Indian writers given below. तो ये कुछ writers की pictures हैं जो नीचे दी गई हैं आप लोगों को। Against their name, उनके name भी लिखे गए हैं। साथ ही आपको क्या बताना है, राइट द लैंग्वेजेस दे राइट इन, उन्होंने कौन कौन से ऐसे लैंग्वेजेस लिखी हैं। सो टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन हेल्प बॉक्स, हेज हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स भी है इधर। तो बताना है आपको, फर्स्ट पिक्चर इज कुमारन सनन। मींस इन्होंने मलयालम लैंग्वेज लिखी है। एंड नेक्स्ट पिक्चर शोज द इज विश्वनाथ सत्यनारायण, ही राइट इन तेलुगु लैंग्वेज। अशोक मित्रन ने तमिल लिखी है। कुवेम्पु ने कन्नड़ा, एंड महाश्वेता देवी ने बंगाली लैंग्वेज लिखी है। एंड मुंशी प्रेमचंद, एवरीबडी नोज दैट, हिंदी लिखी है इन्होंने। हिंदी में बहुत सारी ऐसी बुक्स वगैरह या और भी चीज़ें लिखी हैं। कैफ़ी आज़मी ने उर्दू में कुछ लैंग्वेजेस में अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं। अमृता प्रीतम ने पंजाबी में, अनीता देसाई ने इंग्लिश में, गोपीनाथ मोहंती ने ओडिया में, मीन्स उड़ीसा की है लैंग्वेज ये। हेमचंद बरोरा ने आसामीज, मीन्स आसाम की लैंग्वेज है आसामीज, उन्होंने लिखी है ये। विजय तेंदुलकर ने मराठी लैंग्वेजेस में अपने कुछ बुक्स लिखी हैं, ये राइटर्स नेम है। के एम मुंशी ने गुजराती में, हरिवंश राय बच्चन, एवरीबडी नोज दैट नोज अबाउट हिम, हिंदी लिखी है, हिंदी में इन्होंने लिखी हैं। और इंदिरा गोस्वामी ने आसामीज में लिखी है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ आइडियम्स एंड फ्रेसेस। तो आपने मुहावरे और कुछ लोकोक्तियाँ हिंदी में पढ़ी होंगी और इंग्लिश में भी पढ़ी होंगी। सो हेयर इज सम आइडियम्स एंड फ्रेसेस मेक अवर राइटिंग मोर इफेक्टिव। तो इससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव हो जाती हैं, बनती हैं। लुक एट दीज आइडियम्स एंड फ्रेसेस, ये इंग्लिश में आइडियम एंड फ्रेसेस दिए गए हैं, आपको इसका मीन्स बताना है और उसे उसके उस बॉक्स के सामने लिखना है। सो फर्स्ट आइडियम इज टू निप इन अ बड, इट मीन्स दैट टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। सेकेंड, ये जैंग लिखा हुआ है, इसकी प्लेस पर क्लास आप लोग राइट कर लीजिएगा, हैंड होगा यहाँ पर, टू गेट द हैंड ऑफ, एंड इट मीन्स दैट टू लर्न टू हैंडल समथिंग विद सम स्किल। तो इसका मतलब है कि उन चीज़ों को सीखना, उन चीज़ों को हैंडल करना कुछ स्किल्स को, ठीक है, उन स्किल्स के साथ। टू प्रे थ्रू द नोज़, टू पे थ्रू द नोज़ मीन्स पे मच मोर देन फेयर प्राइस। टू पुट अप विद, टॉलरेट, टू बी अप टू द मार्क, ये अप टू द मार्क मीन्स ये इनफ है। सो इट मीन्स दैट टू बी गुड इनफ। टू लाई लो मीन्स कीप आउट ऑफ साइट। टू हिट इट ऑफ मीन्स दैट बी नेचुरली फ्रेंडली। ओके क्लास, फ्रेंडली FRINDLY। एंड टू पू पू मीन्स टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट। नेक्स्ट, टू गेन द अपर हैंड
इट मीन्स दैट टू हैव मोर पावरफुल देन समवन, इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा पर्सन जो कि आपसे भी ज़्यादा, टू हैव मोर पावरफुल देन समवन, कुछ लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं. टू बी इन समवन्स गुड बुक्स, इट मीन्स दैट रिगार्डेड बाय समवन विद फेवर. टू लूज ग्राउंड, टू बिकम लेस पॉपुलर. नेक्स्ट आइडियम इज टू ग्रीज समवन्स पाम, इट मीन्स दैट गिव समवन मनी एक्सचेंज फॉर अ फेवर. टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इट मीन्स दैट लूज वन्स टेम्पर सडनली. नेक्स्ट आइडियम इज टू स्टिक वन्स नेक आउट, इट मीन्स दैट टू टेक अ रिस्क. विद अ फ्ली इन वन्स ईयर, इट मीन्स दैट अ शार्प रेप्रूफ. नेक्स्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स दैट वन एंड ऑफ नाउ एंड देन इरेगुलरिटी. टू अ फॉल्ट, इट मीन्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक लेजिटिमेटली मिस्टेक और एक्सट्रीमली. टू गेट एट टू गो एट इट हैमर एंड टोंग्स, इट मीन्स दैट विद ग्रेट विगर. टू ग्रीन एंड बियर इट, इट मीन्स दैट टू एक्सेप्ट समथिंग बैड विद कंप्लेनिंग. टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप, इट मीन्स दैट टू एबिलिटी टू स्पीक विद फ्लुएंसी. सो आई होप एवरीबडी इज हैव अंडरस्टूड दिस आइडियम्स. And if you have any confusion or any problem, you can ask anything else. So let's start next chapter. And today's chapter, which is explained. Firstly, you mentioned date in all chapters. Let's start next chapter number 20, commonly used foreign words. Here are some words in a foreign language. So what is the mean that in this foreign words? So mainly some foreign words and phrases, kuch aise foreign words or phrases hai, have become common in our country, jo hamari country mein common hai. Given below are some such phrases. तो कुछ ऐसे नीचे आपको phrases दिए गए हैं. You have to find out their meanings with the help box. So here is help box. यहाँ पर हम help box देख रहे हैं जिससे आप find करके इसे लिख सकते हैं. So let's start. In camera, it means that in sweet. Au revoir means until we meet again. And third, fox pass means embarrassing mistake. Ex gratia means as an act of grace. These are the some foreign or foreign words which is commonly used in our country. Bon voyage. Bon voyage means pleasant journey. हम कहते हैं ना pleasant journey. आपकी यात्रा मंगलमय हो etc. Facsimile. Facsimile means a close imitation. Ad hoc. For purpose, malafide, in bad faith. De novo means a new. Lingua franca, a common language. Ex officio means by virtue of one's office. Quantum means quantity or amount. Ad valorem means according to value. So here is some logos. This is related to some foreign words like bon voyage, au revoir, de novo and ad valorem. Is that clear, class? Now next start next topic, next chapter number 21. Chapter number 21, books of all times. So books जो कि हमेशा के लिए ही ऐसी होती हैं जिसमें कि जिसे हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं. So given firstly mention your date 17, 10, 20. Given below is the list of some famous books. Here is some books with the names of their author. Write the names of their authors with the help of help box. So here is help box.
एंड हियर सम बुक्स. सो राइट द नेम ऑफ देयर ऑथर्स इन दीज बुक्स. द फर्स्ट इज हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन. द राइटर इज द ऑथर इज जे के रॉलिंग ने लिखी है ये बुक. द ब्लू एम्ब्रेला मीन्स रस्किन बॉन्ड. ब्लू एम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन द बुक ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन द ऑथर इज चार्ल्स डिकेंस. डिस्कवरी ऑफ इंडिया हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया. द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू. हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड. द ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड इज आर एल स्टीवेंसन. हु इज़ द ऑथर ऑफ द जंगल बुक. द ऑथर ऑफ द जंगल बुक रुडयार्ड कीपलिंग. हु इज़ द ऑथर ऑफ द रामायण वाल्मीकि. वॉर एंड पीस किसने लिखी? लियो टॉलस्टॉय ने. गीतांजलि किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने. डेविड कॉपरफील्ड ने बुक किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस ने. एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने. अभिज्ञान शाकुंतलम दिस इज द फेमस बुक इन हिंदी लिटरेचर कालिदास ने लिखी है. हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी एंड अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी. इज दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड प्रीवियस चैप्टर्स एंड दिस चैप्टर ऑल्सो. सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी एंड आई विल टेल यू दीज क्वेश्चंस. दैट क्लियर क्लास? सो वॉच वीडियो केयरफुली. नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीबडी.